मैं तो बस इतना ही कहूँगा बहन जी, जितनी जल्दी हो सके आप भैंस का इंतजाम कर लो। अम्मा हो जाएगा, तू बस ऊपर वाले पे भरोसा रख, देखना हमारे दरवाजे पे वो कहीं ना कहीं से भैंस जरूर भेजेगा। ये पूर्वजों के भैंस की विदाई की प्रथा ना होती तो काल को काल ब्याह कर देते। तेरी माँ का मोसड़ा मादर चोद, भैंस लाके दे देवे, कल के कल ही ब्याह करा दूं। उधर से भैंस आवेगी, इधर मैं सतपाल जी को दे दूंगी, तुम दोनों का काम हो जाएगा। अभी तेरे झांसे में ना आऊंगी मैं, बहुत चूतिया बना बना के पे लिया तूने। 25,000 भैंस के दाम तो आसमान छू रहा है, पर रुपया तो दूध के लागे हैं। भैंस का इंतजाम हो गया है। के बोल रही थी अम्मा, के पागल लग रहा है तेरे दिमाग में, कम से कम बता तो सही। भैंस को तो एकदम दुल्हन की तरह सजा के रखी से। जी अब भैंस की विदाई करानी से तो दुल्हन की तरह तो सजा नहीं पड़ेगा। गज्जू भाई, मने एक बात समझ नहीं आई, वो भैंस की चुदाई वाला के सीन से भाई? बहन के लंड, भैंस की चुदाई नहीं, भैंस की विदाई है।